जहां बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा पैटर्न में किए गए बदलाव पर आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई है, जिसमें इस बात की समीक्षा की जाएगी कि आखिर बीपीएससी के नए पैटर्न का अभ्यर्थियों के द्वारा क्यों लगातार विरोध किया जा रहा है। मुख्यमंत्री के हवाले से यह भी संकेत दिया गया है कि सरकार बीपीएससी से जानने की कोशिश करेगी कि आखिर यह पैटर्न पहले के पैटर्न से क्यों बेहतर है या फिर किस कारण से बीपीएससी ने पैटर्न में बदलाव किया है। ज्ञात हो कि बुधवार को बीपीएससी अभ्यर्थियों ने राजधानी पटना में आयोग द्वारा किए गए परीक्षा पैटर्न में बदलाव को लेकर जमकर प्रदर्शन किया, जिसे रोकने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करनी पड़ी, जिसमें कई उम्मीदवार घायल हो गए थे। इस बात की जानकारी जैसे ही सीएम के पास पहुंची कि उन्होंने बिहार के मुख्य सचिव और दूसरे अफसरों की आपात बैठक बुला ली। गौरतलब है कि अभ्यर्थियों का कहना है कि दो पाली में आयोजित होने वाली परीक्षा और परसेंटाइल सिस्टम लागू होने के चलते इसमें धांधली होने की विशेष आशंका है। साथी आए, उन लोगों का कहना था कि एक जैसे कि आप जानते ही हैं, इससे पहले एटीएम की क्रूरता भी आप लोग देख ही लिए थे कि डाक बंगला चौराहे पे कैसे मारा जाता है। साथी लोग सहमे हैं, डरे हैं, आप देख रहे हैं सभी के चेहरे पे, सबको हताश और निराश है। बेली रोड को छावनी में तब्दील कर दीजिए, बिल्कुल सुरक्षा दीजिए, हमारे पीछे बंदूक तो मत रखिए, जीने तो दीजिए। प्रशासन के द्वारा आप लोगों को पीटा गया, बेरहम करके मारा गया है, सभी को मारा गया। डेलीगेशन के रूप में हम लोग 5 आदमी थे, जिसमें सौरभ भाई भी थे, वो हमारे सौरभ भाई साथ में डेलीगेशन के साथ गए थे। हम लोगों ने वहाँ पे बात किया अतुल प्रसाद जी से, उनका साफ कहना है कि हम आपका कोई बात नहीं सुनेंगे, आप कुछ भी कर लीजिए, हम आपका कोई बात नहीं सुनेंगे, सिर्फ हम बात अपना ही सुनेंगे। 20-22 को एग्जाम होगी, उन्होंने सिर्फ दूध का एग्जाम्पल दिया, हम लोगों को बोला कि परसेंटाइल सिस्टम हटाना चाहिए, एक दिन में एग्जाम होना चाहिए, बोला कि ये पॉसिबल नहीं है, हमारे डीएम ने हाथ खड़ा कर दिया है, हम नहीं कर सकते हैं। और बोले कि हम 2 शिफ्ट में एग्जाम इसलिए भी नहीं ले सकते हैं क्योंकि बच्चे बहुत हैं, 6 लाख नहीं है। हम लोगों ने एग्जाम्पल दिया बहुत।